Well, Kiha Charles, Sikar, to each one of you who's tuning in to watch this video right now. So, जी हाँ, आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है अपने पांव की दुर्गंध को कैसे भगाएं। जी हाँ मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, जी हाँ बिल्कुल आप ही। क्या आप भी अपने पांव की दुर्गंध से परेशान हैं? क्या हर वक्त यही सोचते फिरते हैं, या मैंने अपने पांव के जूते खोले नहीं, वह लोग ही ना हो गए न सड़ल खुल गए? जी हाँ, क्या आप भी इसी वक्त को, इसी चीज को सोचते फिरते हर वक्त परेशान रहते हैं? तो मेरे बड़े भाई, मैं लाया हूँ आपके लिए 5 होम रेमेडीज जो कि आपकी जिंदगी को एकदम से बदल देगी, आपके पांव की दुर्गंध को एकदम खुशनुमा कर देगी। दुर्गंध दुर्गंध नहीं रहेगी, वो एक खुशबू बन जाएगी। जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं आपको बताऊंगा वो 5 होम रेमेडीज जो कि आपके पांव की दुर्गंध को तहस नहस कर देगी, ढूंढने से नहीं मिलेगी मेरे भाई। रेमेडी नंबर वन इज यूज द लाइम। यस, नींबू को यूज करिए। अब नहाने के बाद अपने पांव पे, अपने पांव की एड़ियों पे, अपने पांव के पंजों पे नींबू को रगड़िए। जी हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही नहा लेते हैं, सॉक्स डालने से पहले अपने पांव पे, अपने एड़ियों पे उस नींबू को रगड़िए, उसके बाद सॉक्स डालिए। जैसे ही आप देखेंगे, आप नींबू रगड़ने के बाद जब सॉक्स डालेंगे, आपकी दिन प्रतिदिन उस दुर्गंध जाती दिखेगी आपको। आप कहीं जूते वगैरह उतारेंगे, आप देखेंगे वो दुर्गंध जाती जा रही है, कम होती जाएगी हफ्ता दर हफ्ता, वो चीज कम होती जाएगी जैसे जैसे आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहेंगे। नींबू काटिए, नींबू को अपने पांव की रेडियों पे और पंजों पे रगड़िए, उसके बाद सॉक्स डालिए। जी हाँ, ये बहुत ही एंशियंट रेमेडी है जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। वो अपनी पूरी बॉडी पे नींबू का इस्तेमाल करते थे, लगाते थे, जिससे कि अच्छा ऑर्डर आता था, एक अच्छी स्मेल आती थी। और पर जैसे जैसे वक्त बदला, हमने इस चीज को छोड़ दिया। फिलहाल अगर आज आपके पांव से दुर्गंध आ रही है, तो आप इस पांव पे इसको लगा के आजमा के देखिए। बिल्कुल बहुत ही किफायती है, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे ज्यादा, 1-2 रुपए का नींबू आ जाता है, उसको यूज करके देखिए। अगर इस चीज का फायदा होता है तो और क्या चाहिए। जी बिल्कुल, एंड देयर वी गो फॉर द रेमेडी नंबर 2, एंड दैट इज यूज द एंटी फंगल सॉक्स। आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल 30-40 रुपए की जुराबे आ जाती है, तो आप इस चीज को सोचिए, वो जो 30-40 रुपए की हम जुराबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जब मैन्युफैक्चर से निकलती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, उसके बाद होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, हर कोई अपना प्रॉफिट रख रहा है उस चीज के अंदर। जो इतना प्रॉफिट रखने के बाद हमें एज अ कंज्यूमर वो 30-40 रुपए की मिल रही है, तो 30-40 रुपए की चीज का मटीरियल किस तरह का होगा। जी बिल्कुल, तो इससे अच्छा आप 3-4 जोड़े जुराबे लेने से अच्छा एक बार एंटी फंगल सॉक्स लेके देखिए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी की आपको आराम से अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, कहीं भी सुपरमार्केट पे मिल जाएगी। शायद हो सकता है घर के आसपास की दुकान पे ना मिले, तो आप किसी सुपरमार्केट पे देखिए, नहीं तो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखिए, आपको वो आराम से मिल जाएगी। क्योंकि उनकी सॉक्स का मटेरियल कुछ इस तरह का होता है कि आपके पांव से दुर्गंध नहीं आती जैसे ही आप उन्हें उतारते हैं, और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जी हाँ, रेमेडी नंबर थ्री इज यूज द टैक पाउडर। जो आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में, उनमें टाक होता है, और टाक क्या करता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। जो टाक पाउडर होते हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, और टाक फ्री पाउडर जो होते हैं वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। जो हमारे पाँव से स्मेल आती है वो किस वजह से आती है, हमारे पाँव से पसीना आता है, हमारे पाँव की जो पोर्स होते हैं वहां से पसीना आता है, और जब हम अपनी सॉक्स वगैरह उतारते हैं उस पसीने की दुर्गंध हमें सूंघने को मिलती है। तो अगर आप टाक फ्री पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे कि आपके पाँव से जो पसीना वगैरह जो होगा उस पाउडर के साथ मिलेगा नहीं। जो जैसे आप सॉक्स को उतारेंगे, जैसे ही आप सॉक्स को उतारेंगे, आप नोटिस करेंगे आपके पाँव से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि उस पाउडर की स्मेल उस वक्त आपको आ रही होगी। हियर वी गो फॉर द रेमेडी नंबर 4, नेवर एवर एवर यूज डियो और परफ्यूम ऑन योर फुट, ऑन योर फीट। जैसे ही आप अपने पाँव पे डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पाँव से पसीना निकलता है वो उस डियो के साथ मिल जाता है, उस वजह से वो पसीने के साथ मिलने के बाद जब आप जूते वगैरह उतारते हो, आप क्या करते हो, हम जल्दी से जल्दी जूते उतारते हैं, देखते हैं स्मेल आ रही है, चलो डीओ वगैरह मारा, फिर से सॉक्स डाल ली, फिर से जूते डाल लिए, चलो कहीं चल लिए। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, जब आप अपने जूते उतार रहे हो और देखते हो सॉक्स उतारने के बाद, वो दुर्गंध और बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो परफ्यूम है वो उस पसीने के साथ मिलकर अच्छी स्मेल नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसे कहीं से एयर नहीं मिल रही, बाहर से कहीं एटमोसफेयर की एयर नहीं, वो हर तरफ से ट्रैप्ड है, हमारा जो फीट है हर तरफ से ट्रैप्ड है। जैसे ही हम उसे उतारते हैं वो परफ्यूम की स्मेल नहीं आती, वो और पसीने के साथ मिलके और गंदी बदबू देता है। इसलिए नेवर एवर यूज डियो और परफ्यूम ऑन योर फीट, चाहे वो जितनी मर्जी बदबू कर रहे हो, वो बदबू और बढ़ जाएगी। चाहे आपने जूते उतारे हैं, आपके पांव से बदबू आ रही है, फिर भी डियो वगैरह अपने पैरों पे मत मारिए, वो बदबू को और बढ़ाएंगे। और इसी के साथ द
Tip number 5 is use the ventilated and air जहाँ से हमें वेंटिलेटेड शूज का इस्तेमाल करें, जहाँ से जहाँ एयर आराम से आ सके, एयर ट्रैप ना हो जाए अंदर। आप इस तरह के लोफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोफर्स के अंदर पोर्स है, जिस वजह से आपकी एयर जो है वो ट्रैप नहीं होगी किसी भी एंगल में लोफर्स के अंदर। जैसे कि अगर आप फॉर्मल पहनते हैं, कुछ डालते हैं, तो लोफर्स का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं, और इससे आपकी जैसे एयर ट्रैप नहीं होगी। तो होगा फायदा इस चीज का कि आपको जो एयर का सर्कुलेशन मिलता रहेगा, पसीना नहीं आएगा आपके पाँव में उतना जितना बंद जूते के अंदर जितना आपको पसीना आएगा। तो इस वजह से आप कभी भी जूतों का इस्तेमाल करें, उसमें जरूर देखें कि एयर वेंट्स के लिए है, कुछ पोर्स वगैरह है, तो उससे आपके पाँव में दुर्गंध नहीं आएगी, या आएगी तो बहुत कम आएगी, थोड़ा पसीना आएगा, जो कि आप लाइम या बाकी रेमेडीज का इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज्यादा, स्पोर्ट शूज में। तो स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल, स्पोर्ट शूज को एकदम परख के लेना चाहिए। आजकल मार्केट में सस्ते स्पोर्ट शूज बहुत अवेलेबल है, लेस देन 1000 के अंदर भी हमें स्पोर्ट शूज मिल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक और एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ब्रांडेड शूज को लेना, क्योंकि एज अगर स्टूडेंट है या एज जॉब गोइंग है या अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कुछ सस्ती किफायती चीज मिल जाए। तो मैंने कुछ एक शूज लिए थे कुछ दिन पहले, विच कॉस्ट मी अराउंड 900 रुपीज। उसकी खास चीज ये है कि उसके अंदर यहाँ पे जाली वगैरह लगी हुई है, एंड दैट टू वेरी गुड मटीरियल। और इस जाली का मुझे ये फायदा है कि अगर मैं कभी भाग रहा हूँ, कभी रनिंग कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो इस जाली से मुझे एयर की सप्लाई अंदर होती रहती है शूज के, और जब मैं उतारता हूँ जुराबे या फिर शूज उतारता हूँ, तो बदबू आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अपने जूते का जो एक सिलेक्शन है, बहुत ही सही पैरामीटर्स पे और बहुत ही सावधानी से करिए अगर आपके पांव से दुर्गंध आती है। अगर नहीं भी आती, तो जूतों की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको अगर एयर के अंदर सर्कुलेशन अच्छी मिलती रहेगी, तो आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। आप अगर 1 किलोमीटर भाग रहे हैं, तो आप 2-3 किलोमीटर भाग पाएंगे और भी ज्यादा, क्योंकि आपके पाँव को बहुत गुदगुदा और अच्छा लग रहा होगा उस वक्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड फ्लो के लिए हमारे लेग्स के अंदर, और क्योंकि रनिंग में वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आप जब जूते या फिर अपने फुटवेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि किस तरह के जूते लेने हैं। एक तो आप पाँव को कंफर्टेबल होने चाहिए, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके पाँव से दुर्गंध आ रही है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके पाँव के जूतों में एयर वेंटिलेशन की जगह जरूर बनी रहे। और इसी के साथ ही देवियों और सज्जनों, मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल मैन ज़ील, एंड वी बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।